शाहीन अफरीदी की लाहौर कलंदर्स ने मोहम्मद रिजवान की मुल्तान सुल्तान के 1 रन से हराकर पाकिस्तान सुपर लीग का फाइनल जीत लिया। शनिवार रात में PSL यानी पाकिस्तान प्रीमियर लीग खेला गया। लाहौर टीम के कप्तान शाहिद अफरीदी मैच के हीरो रहे। उन्होंने 8 शतक लगाया और 4 विकेट भी लिए। लाहौर ने टॉस जीतकर पहले बल्लेबाजी करते हुए मुल्तान को 201 रन का लक्ष्य दिया। और उससे पहले आपको अगर ये वीडियो अच्छा लगे तो एक लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके जाएं। तो चलिए आगे आपको बताते हैं। जवाब में मुल्तान ने 20 ओवर में 199 रन ही बना सका। लाहौर ने लगातार दूसरी बार PSL जीता। पिछले सीजन में भी उन्होंने फाइनल में मुल्तान को हराया था। इंसानुल्लाह को प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट चुना गया, जबकि शाहीन अफरीदी को उम्मीद के मुताबिक प्लेयर ऑफ द मैच भी मिला। इंसानुल्लाह 150 की स्पीड से गेंद फेंक कर क्वेटा ग्लेडियर्स के कप्तान सरफराज अहमद को बोल्ड करने में चर्चा में आ गए थे। मैच बहुत ही रोमांचक मोड़ पर था, क्योंकि मुल्तान सुल्तान को फाइनल जीतने के लिए 13 रनों की जरूरत थी। रिजवान की टीम को आखिरी गेंद पर एक चौका लगाने की आवश्यकता थी। स्ट्राइक पर खड़े थे कुलदिल शाह, लेकिन वो 2 रन ही। और ऐसे रोमांचक मुकाबले में मुल्तान सुल्तान को 1 रन से हराया और लाहौर कलंदर्स ने लगातार दूसरी बार जीता PSL की ट्रॉफी।